दोस्तों जब भी क्वालिटी की बात आती है ना तो सबसे पहले लोग सर्च करते हैं माय स्मार्ट वर्ल्ड, क्योंकि भाई इस चैनल पर आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है और वो भी रीजनेबल प्राइस में। क्योंकि भाई हमेशा ही मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए तगड़ी क्वालिटी की डॉग स्पीड लेकर आऊँ, ताकि भाई आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आए और आप लोगों को अच्छी क्वालिटी मिले और वो भी आप लोगों के बजट में। और ये चीज आप लोग आज की वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक काफी तगड़ी क्वालिटी की डॉग स्पीड जिसका नाम है लैब्राडोर। भाई इस ब्रीड को तो कौन नहीं जानता, छोटे से छोटा बच्चा भी काफी अच्छे से जानता है कि हाँ ये लैब्राडोर है, क्योंकि भाई फैमिलीज के लिए परफेक्ट होते हैं, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही फ्रेंडली। तो अगर आप लोग लैब्राडोर लेते हैं तो आई एम श्योर आप लोगों का काफी तगड़ा एक्सपीरियंस रहेगा इस ब्रीड के साथ। और जहाँ पर इन्हें सोशलाइज करना, ट्रेन करना इजी काम होता है, ये कोई बड़ा काम नहीं है इस ब्रीड के सामने। वैसे भी भाई आजकल कुछ सोसाइटीज में अग्रेसिव डॉग ब्रीड को बैन कर देते हैं कि वहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन वहाँ पर आप लोग लैब्राडोर को बेफिक्र होकर रख सकते हो। वेल गाइस ये जो लैब्राडोर है ये एक फीमेल है और भाई जबरदस्त क्वालिटी में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई ओनर ने बताया कि इम्पोर्ट ब्लड लाइन से है, क्योंकि इसके जो फादर है ना वो डायरेक्ट इम्पोर्ट के सन है। एंड गाइस ये जो फीमेल है ना ये 48 डेज के आसपास की हो चुकी है और उन्होंने इसकी फर्स्ट वैक्सीनेशन भी करवा दिया है। तो जब आप लोग इसे परचेज करने जाओ ना तो इसका कार्ड साथ में ले लें, क्योंकि बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वैक्सीनेशन को लेकर वो आप लोगों को कार्ड के ऊपर ही मेंशन मिलेंगी। एंड ये पपी ओनर के घर पर ही अवेलेबल है, तो आप में से जो लोग भी इसे लाइव वीडियो कॉल पर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे भाई आप लोग इसका हेड साइज और इसका मसल देखिए, भाई मुझे पर्सनली तो बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि भाई मोस्टली आप लोगों को इतने हैवी मसल के लैब्राडोर नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो भाई इनका प्राइस काफी एक्सपेंसिव होता है। वैसे दोस्तों लैब्राडोर एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग होममेड फूड पे भी आसानी से रख सकते हो, इनके लिए आप लोगों को ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सबसे अच्छी बात यह होती है कि लैब्राडोर का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना वो भी काफी ब्यूटीफुल होता है। एनीवेज दोस्तों अब बात करते हैं इसके फादर के बारे में। तो ये देखिए गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये इस पपी के फादर हैं। यार क्वालिटी देखिए जो कि बहुत ही शानदार है, और ये यूके इंपोर्ट पोलो के डायरेक्ट सन है। और मदर की बात करें तो यार मदर की क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है, यार दोनों साइड से तो अल्टीमेट क्वालिटी आप लोगों को मिल रही है। तो सोच सकते हैं कि पपी किस लेवल का हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा भी नहीं कि पपी को परचेज करते आप लोग इसे दूध ब्रेड या रोटी खिलाने लग जाए और फिर आप लोग एक्सपेक्ट करो कि इसकी क्वालिटी भी इनके जैसी ही बने। भाई उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई चाहे कोई भी डॉग ब्रीड ले लो जब तक आप लोग उन्हें अच्छी डाइट नहीं दोगे तो उनकी हेल्थ अच्छी कैसी होगी। एनीवेज अब मैं आप लोगों को इस पपी की बाकी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। तो एज तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो अगर बात करें लोकेशन के बारे में तो ओनर की जो लोकेशन है वो है करनाल हरियाणा से। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट जाकर पपी को परचेज करोगे तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज ओनर आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन भाई उस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो कितना होगा ये डिपेंड करता है आप लोगों की लोकेशन के ऊपर। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो फीमेल बहुत ही शानदार क्वालिटी की है, इम्पोर्ट लाइन है, तो उन्हें जो उसके प्राइस की डिमांड की ना यार वो के जस्ट 12,000 रुपीज यानी सिर्फ 12,000 रुपए। भाई देखो क्वालिटी के हिसाब से तो प्राइस सच में बहुत जेन्युइन है, और आप लोग चाहो तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके प्राइस और भी कम करा सकते हो। वैसे वीडियो पसंद आई हो, इस पर भी क्वालिटी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।